जय एमबे मोबाइल रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। ये आज रिपेयरिंग क्लासेस में आज का जो टॉपिक है वो नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन का है। जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हो, ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस करना पड़ता है। इसमें ऐसा होता है, अमुक जगह जहाँ कवर क्षेत्र नहीं होता है, जहाँ नेटवर्क का एरिया कवर में नहीं आता है, वहाँ नेटवर्क छोड़ पड़ जाता है। या तो फिर ज़्यादा करके आपने देखा होगा, हम ट्रैवल्स में जाते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम ट्रैवल्स में जब जाते हैं तो बैटरी इतनी फास्ट क्यों उतरती है? उसका रीज़न है, उसका रीज़न भी हम आज बताएंगे और नेटवर्क के रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन मिलेगा। जो ट्रैवल्स में हम जाते रहते हैं, जो बैटरी पूरा दिन चलने वाली होती है वो दो या ढाई तीन घंटे में ख़त्म हो जाती है। उसका रीज़न होता है, जहाँ नेटवर्क पकड़ेगा वहाँ चार्जिंग आईसी या पावर आईसी, जो भी होता है नेटवर्क PFO एंटीना जो नेटवर्क पकड़ने का कार्य करती है, उस पर लोड पड़ता है, वो पावर कंज्यूम करता है। जहाँ छोड़ेगा वहाँ छोड़ देगा, पकड़ने के लिए फिर से उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। ये दो जो प्रोसेस है, छोड़ना, पकड़ना और नेटवर्क को कवरेज करना, ये चीज़ों में बैटरी बहुत ज़्यादा यूज होती है। और आपने देखा भी होगा, आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म भी होता होगा। और किसी किसी को तो ट्रैवल्स करते समय नेटवर्क हमेशा के लिए प्रॉब्लम आना भी फेस करना पड़ता है। नेटवर्क बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे कि कस्टमर बोलता है कि भाई हमारा आर दिखा रहा है रोमिंग में है, तो हमारा जब से ट्रैवल्स करके आ रहा हूँ तब 4G की जगह 2G या ई दिखा रहा है। नेटवर्क सेशन में जितने प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं। कभी कभी कस्टमर का नेटवर्क पूरी तरीके से गायब हो जाता है, उसको कैसे रिकवर करना है, ये जितने भी आपके सब प्रॉब्लम है उसका आज सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहला टॉपिक है नो नेटवर्क। नो नेटवर्क यानी कि नेटवर्क नहीं दिखना। उसमें होता है सबसे पहले, उसका जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो है सिम चेक करना। कोई दूसरा सिम डाल के देख लीजिए कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर नहीं होता है तो नो नेटवर्क की वजह से क्या होता है कि क्रिस्टल आईसी जो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर में या कीपैड में किसी किसी में नेटवर्क सेक्शन की जगह पे क्रिस्टल आईसी आती है, वो चेंज करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। PFO हैंगर आईसी चेंज करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है और नेटवर्क की जो एंटीना होती है उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से होता है। और चार्जिंग पट्टी जो एंटीना नीचे से ऊपर गया है, स्टेप बाई स्टेप में ऐसा होता है कि वहाँ 0.2 फ्रिक्वेंसी आती है, वो फ्रिक्वेंसी स्टेप बाई स्टेप आप चेक करते जाओगे तो नेटवर्क का जो एंटीना है वहाँ तक अगर सप्लाई आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ रिपेयर हो जाएगा, या लाइन डैमेज है या वायर डैमेज, तो वो सर्विस का प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाएगा। नो सर्विस में भी दो तीन अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कीपैड में आपने देखा होगा कि रेड सिंबल आता है, क्रिस्टल आईसी का होता है, हल्का सा सर्विस है हीट करने पर वो आ जाता है। और एंड्रॉयड में क्या होता है, PFO नेटवर्क आईसी और सिम चेंज क्लीन एंड हीट, ये सब उसके सॉल्यूशन है। इतने सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो नेटवर्क आईसी PFO आईसी चेंज करने से ये हो जाएगा। फिर भी नहीं होगा तो उस आईसी को जो सप्लाई हैंगर आईसी देती है वो सप्लाई आ रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही नेटवर्क आईसी का नो सर्विस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नो एक्सेस, नेटवर्क नॉट एक्सेस यानी कि नेटवर्क को एक्सेप्ट ना करना या फिर सिम नहीं आना, सिम प्रॉब्लम या सिम नहीं दिखाई देना, मतलब एक्सेस यानी कि नेटवर्क को वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता, इसका प्रॉब्लम होता है नॉट एक्सेस। उसमें क्या होता है, जो एंटीना स्विच होता है वो नेटवर्क को कंज्यूम नहीं कर पाता, या तो फिर आप ऐसी जगह खड़े हो जहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, बराबर। और नेटवर्क ना आना ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी का इश्यूज है, जहाँ टावर ही नहीं रहेगा वहां क्या करोगे, टावर आएगा तो होगा। इसलिए आपको नो एक्सेस का प्रॉब्लम जो सॉल्व करना होगा, जहाँ नेटवर्क आता होगा ऐसी जगह पे आपको पहुंचना होगा, तब जाके आपका ये नो एक्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक्सेस का मतलब समझ में आ गया, जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क की जगह पे आपको एक तो जाना पड़ेगा,
या तो फिर टावर जहाँ आसपास होगा वहाँ जाना पड़ेगा, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आएगा तो फ्लाई मोड करके देखना होगा, अलग अलग चार पांच प्रोसेस है वो करके देखनी पड़ेगी, तब जाके नेटवर्क एक्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक्सेस का मतलब होता है कंज्यूम करना, या फिर जहाँ नेटवर्क तो वहाँ जाके पकड़ना। कभी कभी आपने ये भी फेस किया होगा, किसी किसी का ऐसे का घर होता है जो अगले रूम में नेटवर्क आएगा, पिछले रूम में नहीं आएगा, तो जैसे कॉल आता था आपको दौड़ के जाना पड़ता है, या फिर मोबाइल ऐसी जगह रखना पड़ता है कि जहाँ नेटवर्क आता है। तो अभी तो बहुत सारा कंज्यूम नेटवर्क के टैंक देना बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व होता जा रहा है। ये उसके सॉल्यूशन है नॉट एक्सेस के, बराबर। उसके बाद है नेटवर्क छोड़ना और पकड़ना। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता, एक तो मदरबोर्ड के अंदर में कोई अगर नेटवर्क सेक्शन में छेड़ देता है तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, या फिर किसी ने मोबाइल खोला है और एंटीना नेटवर्क अगर सही ढंग से नहीं लगाया गया है तब नेटवर्क को छोड़ पकड़ होता है, या फिर आप ऐसी जगह खड़े हो जहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है या फिर आता है जाता है वहाँ होता है नेटवर्क छोड़ पकड़ जाता है, बराबर। इसके अलावा और दो तीन प्रॉब्लम और है नेटवर्क छोड़ पकड़ करने की। मदरबोर्ड है, चार्जिंग पट्टी को किसी ने चार्जिंग जो भी चेंज किया होता है तो उसके एंटीना जो ढक्कन का जो एंटीना नेटवर्क होता है, इसमें स्टील की जो पट्टियाँ होती है नेटवर्क एंटीना की, या ढक्कन के अंदर जो नेटवर्क का सर्किट लगा होता है वो अगर अटैच नहीं होता है तभी ये प्रॉब्लम आता है नॉट नेटवर्क छोड़ पकड़ करना, बराबर। अगर वो ढक्कन सही से लगाया है तो वो कंज्यूम कर पाएगा, अगर सही से टच ही नहीं होगा तो नेटवर्क को कैचअप नहीं कर पाएगा, बराबर। इसकी वजह से अपने को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है छोड़ पकड़ करना। चौथा प्रॉब्लम है कॉल की, कॉल करने पर कॉल फेल का मतलब आपने देखा होगा कभी कभी नेटवर्क फेक दिखाता है। फेक का मतलब होता है आपको तो देखने से ऐसा दिखता है कि नेटवर्क है और हम कॉल करते हैं, कॉल करने पे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, कॉल फेल लिखा हुआ आ जाता है या फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि कॉल लगता ही नहीं। फिर आप जाते हो मोबाइल वाले के पास और उनको बोलते हो कि भैया हमारा कॉल नहीं लग रहा है, और जो भी मोबाइल वाला होता है वो बोलता है भैया आपके इतने तो नेटवर्क ही नहीं है, और आप उसको बोलते हो भैया डंडिया तो दिख रही है, डंडिया दिख रही है इसका मतलब फेक डंडिया दिख रही है, जेन्युइन नेटवर्क नहीं है, फेक नेटवर्क है, या फिर चाइना का मोबाइल होता है उसमें पहले होता था। और अगर आप सेटिंग में जाके देखोगे तो वहाँ कंपनी का नाम लिखा ही नहीं होगा तो नेटवर्क आएगा कहाँ से, तो क्या होता है वो होता है फेक कॉल, बराबर। नेटवर्क है लेकिन कॉल नहीं लगेगा, वो नेटवर्क फेक होता है, जेन्युइन नेटवर्क नहीं होता है, या फिर कंपनी का नाम भी नहीं करो, सर्चिंग मोड में जाके सेटिंग में जाके अगर आप सर्च करते हो तब अगर कंपनी का नाम आ जाता है तो हो सकता है नेटवर्क आ जाए, नहीं आता है तो उसको कॉल फेल बोलते हैं, और ये प्रॉब्लम को ही कॉल फेल बोलते हैं। नेटवर्क दिखाएगा लेकिन कंपनी का नाम नहीं लिखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा नेटवर्क अगर है तो पीछे एयरटेल वोडाफोन जियो कुछ भी होगा वो लिखा हुआ आएगा, और कॉल फेल होगा उसमें बिल्कुल लिखा नहीं आएगा लेकिन डंडिया दिखाई देगी, ओके। इसके बारे में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ गया या फिर क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हो। पांचवा, कॉल करने पर बैटरी लो होना, कॉल करने पर बैटरी लो होना, यानी कि ट्रैवल्स में अगर जा रहे हो आप नेटवर्क छोड़ पकड़ करता है, तो मैंने आपको ऐसा भी बताया कि 3 घंटे में या 4 घंटे में 2 घंटे में बैटरी उतर जाती है, बैटरी लो होते ही जैसे आप कॉल करते हो तो कॉल करने में अगर नेटवर्क क्षेत्र के कवर में नहीं हो और नेटवर्क छोड़ पकड़ कर रहा है, बराबर, और आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो उस समय क्या होता है कॉल करने पर बैटरी लो हो जाती है, क्योंकि वो कंज्यूम करती है, इतना ज़्यादा कंज्यूम करती है बैटरी को जल्दी डैमेज कर देती है। तो और दूसरा रीज़न होता है आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं, वो सेम कंडीशन ट्रैवल्स में जो होती है वो यहाँ भी होती है, जैसे जंगल में गए हो या ट्रैवल्स में गए हो या फिर कोई पहाड़ पे चढ़े हो तब ये सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है ये प्रॉब्लम, कॉल करने पर बैटरी लो होना, यानी कि आपने अगर फुल बैटरी चार्ज घर पे ले कर ली है, अगर आप ऐसे एरिया में जा रहे हो जैसे बोलते हैं ना टूरिस्ट टाइप जंगल में या फिर ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क का नामो निशान ना हो, और बाई चांस कुछ दूर जाने के बाद थोड़ा सा नेटवर्क आता हो, उस जगह 100% ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा।
बराबर। इसके अलावा लो नेटवर्क, लो नेटवर्क का मैंने थोड़ी देर पहले ही उसका बताया है। लो नेटवर्क के दो रीजन है, एक तो कंपनी फॉल्ट, दूसरा होता है कि कहीं अगर आपने रिपेयर करवाया है नेटवर्क सेक्शन में या किसी ने छेड़ा है तब जाके नेटवर्क स्लो आएगा, या फिर एंटीना नेटवर्क होता है उसका जो कनेक्टर टूट जाता है या एंटीना स्विच सही ढंग से काम नहीं करता है तब जाके ये प्रॉब्लम आता है। ये सब जितने हैं नॉर्मली एक दूसरे से जुड़े हुए फॉल्ट है, बाई चांस एक तो 19-20 होगा, बाकी नेटवर्क के रिलेटेड और अगर फॉल्ट आपके ध्यान में है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है इसके अलावा तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आपको पूछ सकते हो। और जैसे कि आपने देखा था नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन का आज का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। और जो नए हमारे सब्सक्राइबर हो गए या फिर नए कोई हमारे क्लासेस जो जैसे हमारी करीब फ्री क्लासेस है उसने अगर इंटरेस्टेड हो गए सीखने की इच्छा होगी तो हमारे वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में 8 से 10 वीडियो है। अगर हमारे बीच में कोई वीडियो देखता है तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो हमारी रिक्वेस्ट है जो भी बंदा हमारी वीडियो फ्री में रिकरिंग क्लासेस सीखना चाहता है पहले से लेकर लास्ट तक देखे तो उसको बेटर समझ में आएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।